أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سيصلى نارا ذات لهب وامرأته سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ نامراد ہو گیا وہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی
صدق الله العظيم. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف مزاجك حضور؟ خيرية سين قاري سام؟ جي الحمد لله. ما شاء الله. जनाब एक कारी वही ज़फ़र कासमी साहब ने शान रमज़ान 2024 के सहर के आठवें रोज़े का यानी इस आठवें नशरिए का बाकायदा आगाज़ किया. दुनिया के कुछ ममालिक में आज नवा रोज़ा इख्तियार किया जाएगा इंशाअल्लाह. अशरे रहमत की ये भी आखिरी दो तीन रोज़ जहाँ पर नवा रोज़ा है वहाँ तो ज़ाहिर है कल आखिरी सहर होगी अशरे रहमत की. सूरह लहब से जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब ने आगाज़ किया है. सूरह नंबर 111 114 सूरतें तो 111 इसके बाद तरतीब के अतबार से सूरह इखलास फिर सूरह फलक और फिर सूरह नास और सबका सुना हुआ सूरह है अजबर भी है सबको लेकिन इसका बैकग्राउंड इसकी तफासील बहुत हिला देने वाली हैं. अबू लहब चचा था और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्दुल उज़ा उसका नाम था. उसकी रंगत और उसके बारे में भी कहा गया कि बज़ाहिर खूबरू अंगारे जैसा उसका चेहरा और इस तरह का था. माली तौर पर बड़ा मुस्तहकम लेकिन सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन. आप इससे अंदाज़ा लगाइए पूरे कुरान करीम में 114 सूरतों में ये वाहिद मकाम है जहाँ किसी दुश्मन इस्लाम का नाम लेकर उसकी मजम्मत की गई. नाम लेकर उसकी मजम्मत की गई ये पूरे कुरान करीम में. यानी ज़ाहिर वो फिरौन और वो सब तो एक अलग मामला ना ये तो इस माहौल में इसके बज़ाहिर तो दुश्मन इस्लाम के अतबार से सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतबार से पूरे कुरान करीम में ये वाहिद मकाम है कि जहाँ पर नाम लेकर मजम्मत की गई. और सूरत शुरू ही किस अंदाज से हो रही है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. तब्बत यदा यद हाथ तब्बत यदा अबी लहब युम व तब टूट गए अबू लहब के हाथ और ना मुराद हो गया वो. उलमाए कराम इस बारे में एक तफसीर ये लिखते हैं इसके नुज़ूल के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग फरमा रहे थे पहले लोग की करके तबलीग कर रहे थे उस अंदाज से एलानिया नहीं था मामला. फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और आपने एलानिया तबलीग शुरू की तो कोहे सफा पर चढ़े सरकार दो आलम. ये इसी आयत का बैकग्राउंड. कोहे सफा पर चढ़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मखसूस अंदाज में जो ज़माने का तरीका भी राइज था लोगों को बुलाया लोगों को दावत दी लोग जमा हुए. उन लोगों में ये बदबख्त भी था ये अबू लहब भी वहाँ पर आया था. जब सरकार ने दीन की दावत की बात की तो अब ये कहता है कि हम तो ये समझे थे. अब मैं ज़ाहिर अपने अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ नकले कुफर कुफर नबाशत लेकिन मैं मोहताद अल्फाज में बात कर रहा हूँ. जो उसने कहा वो बहुत सख्त था. उसने कहा हम तो समझे थे कि ये कोई बड़ी काम की बात के लिए यहाँ बुलाया गया होगा. और फिर उसने अगला जुमला ये कहा कि जो कि मैं बस इशारतन कहूँ कि गोया मैं किसी को कहूँ कि हाथ टूट जाए तुम्हारे. उसने इस तर्ज की गुस्ताखी की उस बदबख्त ने नऊज़ु बिल्लाह कि हाथ टूट जाए. कहा उसने गोया देखिए कि दुश्मन मोहम्मद ने सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ने वहां खड़े रहकर कहा कि ये जुमला आपके लिए कहा कि हाथ टूट जाए. वहां से आयत आ गई कि अबू लहब के हाथ टूट गए ना मुराद हो गया. जवाब खुदावंद ताला ने दिया कि तब्बत यदा अबी लहब यूं वता. उसने तो कहा टूट जाए यहां कहा टूट गए अबू लहब के हाथ हो गया ना मुराद वो. ये तब्बत यदा अभी लहब यूं व तब माँ अकना अनहु माल हूँ व माँ कसब. जो कुछ उसने माल उसका माल था जो कुछ उसने कमाया उसके किसी काम नहीं आएगा. वो अंजाम बताया सयसला नारन नार आग सयसला नारन जाता लहब जरूर वो शोला जन आग में डाला जाएगा. व अमरातहु हम्मालतल हतब उसकी बीवी का भी तस्किरा हुआ उम्मे जमील नाम था. और वो भी यानी मैंने उलमा कराम से सुना कि गोया अबू लहब की तो दुश्मनी और ज़ाहिर है मशहूर लेकिन इसका भी आलम था कि गोया फैसला करना मुश्किल हो जाए कि कौन ज्यादा आगे है मुखालिफत में सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. इसका ये मामूल था कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खारदार चीजें बिछा देना था कि आपको और सबको तकालीफ हो. तो वहां उसका भी अंजाम बताया वमरातु हम्मा लतल हतब उसके साथ उसकी बीवी भी लगाई बुझाई करने वाली उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी. तो ये कहा इस सूरह में अबू लहब से मुतालिक और उसकी बीवी से मुताल्ले. अगर इसी का हम मंजूम तर्जुमा करें तो कुछ इस अंदाज से इसका मंजूम तर्जुमा बनता है कि नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां जो बड़ा ही रहम वाला है नहायत मेहरबान. तब्बत यदा अबी लहब यूं तब हाथ टूटे बू लहब के वो हो गारत जल्द तर. हाथ टूटे बू लहब के हो वो गारत जल्द तर कुछ कमाई उसकी काम आई ना उसका मालो जर. कुछ कमाई उसकी काम आई
न उसका माल और ज़र। अब क्या होगा? अब पड़ेगा आग की लपटों में रब के हुक्म से, अब पड़ेगा आग की लपटों में रब के हुक्म से उसकी बीवी भी, जो सर पर फिरती है ईंधन लिए, मूंज की रस्सी गले में होगी उस गम्मास के। तो ये इस अंदाज से खुदा बंदे ताला ने ये मुनासिब समझा कि उसी कुरान में कि जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी क्या कहकर पुकारा, ए चादर लपेटने वाले, कभी आपकी इबादत के बारे में खया मफहूम ये कि कीजिए क्याम कीजिए लेकिन थोड़ा कम, कभी क्या कहकर पुकारा, कभी क्या कहकर पुकारा, वहां आपके दुश्मन को भी इस अंदाज में मुखातिब किया कि नाम लेकर के। उसने ये गुस्ताखी की कि उसने एक जुमला कहा कि हाथ टूट जाए, वहां से आयत आ गई कि अबू लहब के हाथ टूट जाए, तब्बत यदा अभी लहाबियों वतब। अल्लाह ताला हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े में रोज़े मैशर हमारी आसानियाँ हों इंशाल्लाह। जुनैद भाई का एक कलाम मैं कोशिश कर लेता हूँ, मेरा दिल बदल दे, इसका कहा भी लोगों ने, उसके कुछ अशार में, बल्कि इलाही तेरी चौखट का, सॉरी बदलने पड़ चुके, उसके एक दो अशार पढ़ने की मैं कोशिश कर लेता हूँ इंशाल्लाह, अगर गले ने थोड़ा बहुत साथ दिया तो। आप सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा मिलकर अल्लाह। और अगर मुमकिन हो, अगर हम खाना खुदा के भी विजुअल अगर देख सकें दिखाइएगा। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फकर हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिकारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिकारी वो जिसे फिर सो हवस ने मार डाला है। बताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकून कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़ा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों, इसियां के दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुजमहिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, के किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये के बस जल भुन के अपनी रूसियाही से सरापा फकर बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब जबू हाली, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली, ये आंखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फकर हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ।